सनसनी ऑफ इंडिया। पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को गुमराह करने के इरादे से सरेंडर किया कि उसने अकेले ही खुद अपनी मालकिन और रिश्ते में लगने वाली भाभी का मर्डर कर दिया है। लेकिन उत्तरी जिला DCP सागर सिंह कालसी की पारखी नजर ने आरोपी की चाल को कामयाब नहीं होने दिया। आरोपी से कड़ी पूछताछ के बाद वारदात में शामिल साजिशकर्ता मृतक महिला के पति और भतीजे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक महिला के साथ सभी आरोपियों की अपनी अलग अलग व्यक्तिगत रंजिश थी। दिनांक 8 नवंबर 2021 शाम 7 बजे पुलिस स्टेशन बुराड़ी में तैनात कांस्टेबल भीम को 100 फीट रोड नियर पेप्सी रोड पर गश्त के दौरान एक सस्पेक्ट व्यक्ति दिखाई दिया। पूछताछ में सस्पेक्ट व्यक्ति ने खुलासा किया कि उसने अपनी भाभी पिंकी की हत्या कर दी है। आरोपी की पहचान 31 वर्षीय पश्चिम संत नगर निवासी पेशे से टैक्सी ड्राइवर राकेश के रूप में हुई। कांस्टेबल ने तुरंत ही आरोपी राकेश को दबोच लिया और थाना बुराड़ी में लाकर अपने सीनियर अफसर को सूचित किया। मामले की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी SI दीपक को सौंपी गई। SI दीपक तुरंत ही आरोपी को लेकर वारदात स्थल पश्चिम संत नगर पहुंचे। फ्लैट की 4th मंजिल पर वारदात को अंजाम दिया गया था। महिला का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मृतक महिला की पहचान 32 वर्षीय पिंकी के रूप में हुई। आरोपी ने कबूल किया कि उसने अकेले खुद ही पिंकी की हत्या की है, क्योंकि मृतक पिंकी अपने पति से आरोपी राकेश को टैक्सी ड्राइवर की नौकरी से निकालने के लिए बोल रही थी। आरोपी राकेश बार बार अपना बयान बदल रहा था। बुराड़ी थाना पुलिस ने FIR संख्या 918/21 अंडर सेक्शन 302 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी राकेश को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उत्तरी जिला DCP सागर सिंह कालसी को आरोपी के कबूलनामे पर यकीन नहीं हो रहा था। मामले की तह तक जाने के लिए ACP तिमारपुर स्वागत आर पाटिल की सुपरविजन व SHO बुराड़ी राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर अशोक कुमार, SI सत्येंद्र सिंह, SI दीपक, SI संजीव, हेड कांस्टेबल परवीन, कांस्टेबल भीम, प्रदीप, रहीश और ऋषि की एक टीम बनाई गई। जांच टीम ने मुखबिरों का जाल बिछाया। वारदात स्थल के आसपास लगे 300 CCTV फुटेजों को खंगाला गया। मुखबिरों से मिले इनपुट और CCTV फुटेज से मिले सबूतों से DCP सागर सिंह कालसी का शक सही साबित हुआ। आखिरकार जांच टीम हत्या के पीछे की साजिश का खुलासा करने में कामयाब हो गई। साजिश में आरोपी राकेश के साथ मृतक महिला का 38 वर्षीय पति वीरेंद्र कुमार और 29 वर्षीय भतीजा गोविंद भी शामिल था। जब हमने इसको बोला ना कल कि भाई प्रोफेसर ने मान लिया है और तू बता कि कितने बजे मिला है, तो ये बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये मिला नहीं। फिर हमने बोला ये शाम को इसके बाद में इसने तुझे फ़ोन किया, ये हमारे पास सारी डिटेल है। फिर उसको लगा यार ये कैसे मान लिया, फिर वो टूट गया। इंटेरोगेशन में आरोपी मृतक महिला का पति वीरेंद्र कुमार ने खुलासा किया कि 16 फरवरी 2021 को उसकी पिंकी से शादी हुई थी। शादी में लड़की वालों ने तिलक पर उपहार के रूप में 5 लाख का चेक दिया जो कि बाउंस हो गया था। आरोपी वीरेंद्र कुमार अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगा। अगस्त 2021 के महीने में पिंकी अपने पति वीरेंद्र कुमार के बुराड़ी के पते पर पहुंची। उस समय वीरेंद्र कुमार के साथ ड्राइवर राकेश भी रह रहा था। आरोपी वीरेंद्र कुमार के अनुसार पिंकी को घर में किसी का भी आना जाना पसंद नहीं था और बार बार राकेश को घर से बाहर निकालने का दबाव बना रही था। वारदात से करीब 15-20 दिन पहले आरोपी वीरेंद्र कुमार ने राकेश और अपने भतीजे गोविंद के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रची थी। योजना के अनुसार राकेश को पुलिस के सामने सरेंडर करना था, बदले में वीरेंद्र कुमार राकेश के परिवार की देखभाल करता और उसे जेल से बाहर भी निकालता। वीरेंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में संस्कृत का सहायक प्रोफेसर था। उसने संस्कृत से PhD भी की हुई है। उसकी शादी के लिए बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे थे। वीरेंद्र ने अपने भतीजे गोविंद के कहने पर गाजियाबाद निवासी पिंकी से शादी कर ली। शादी में पिंकी के परिजनों ने 5 लाख देने की बात की थी। इसके लिए वीरेंद्र को एक चेक दिया था। जब वीरेंद्र ने उसे खाते में डाला तो वो बाउंस हो गया। इसके अलावा पिंकी छोटी छोटी बातों पर वीरेंद्र से झगड़ा करती थी। यहाँ तक फरवरी में शादी होने के बाद वो अगस्त में वीरेंद्र के घर आए। आते ही उसने राकेश को घर से निकाल दिया। वीरेंद्र पर झूठे इल्जाम लगने लगे। यहाँ तक कि उस पर राकेश की पत्नी से अवैध संबंध के आरोप लगा दिए गए। परेशान होकर वीरेंद्र ने पिंकी की हत्या की योजना बना ली। आरोपी 31 वर्षीय राकेश कुमार आरोपी वीरेंद्र कुमार का टैक्सी ड्राइवर है। शादी के बाद पिंकी जब दिल्ली आई तो राकेश कुमार को ड्राइवर की नौकरी से निकालने के लिए दबाव बनाने लगी। नौकरी से निकालने की धमकी मिलने से आरोपी राकेश कुमार भी पिंकी के खिलाफ साजिश में शामिल हो गया। आरोपी वीरेंद्र कुमार का 29 वर्षीय भतीजा गोविंद समयपुर बादली में एक कारखाने में काम करता है। भतीजा गोविंद अपने चाचा की बहुत इज्जत करता है। गोविंद का कहना है कि हम बहुत नीचे से उठकर आए हैं।
आज मेरा परिवार जिस मुकाम पर है वो सब चाचा की देन है। चाचा की शादी में बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, लेकिन चाची ने सब कुछ तबाह कर दिया था, इसलिए वो भी साजिश में शामिल हो गया। योजना के तहत वीरेंद्र घटना के समय माँ को लेकर बाहर चला गया। उस दिन गोविंद घर पर वीरेंद्र के बुजुर्ग पिता के पास बैठा रहा। पिंकी अपने कमरे में सो रही थी, तभी वहाँ राकेश पहुँचा। गोविंद ने दरवाजा खोला, राकेश सीधा पिंकी के कमरे में पहुँचा। वहाँ उसने सोते समय पिंकी का गला घोंट दिया, इसके बाद कट लगाकर उसकी हत्या कर दी। बाद में वो खुद ही पुलिस के पास पहुँचा और उसने अकेले की पिंकी हत्या की बात की। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। मामला है जो उत्तरी जिला पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर खोल दिया। हमारे पास 7 तारीख को शाम को 7 बजे के करीब थाने के आसपास दौराने गश्त हमारे कांस्टेबल टीम है, उसने एक आदमी जिसका नाम बाद में राकेश पाया गया, उसको एक बड़ी कंफ्यूजिंग सी स्टेट में नर्वस सा खड़ा पाया। उससे पूछा तो उसने पहली लाइन ये बोली कि मैंने अपनी भाभी पिंकी का मर्डर कर दिया। पुलिस एकदम एक्शन में आ गई, जल्दी से जो उसने पता बताया वहाँ मौके पे पहुँचे। वेस्ट संतनगर का एक चौथी फ्लोर अपर फोर्थ में उसके पति जो कि वीरेंद्र कुमार जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडहॉक में संस्कृत के प्रोफेसर हैं उनके घर में वहाँ पहुँचे तो बेडरूम में ये लड़की जिसका नाम पिंकी है, पिंकी सिंह उम्र 32 साल के करीब है, इनकी बॉडी पाई गई। मौके पे हालातों के हिसाब से उस जो जिसने कन्फेस किया है राकेश और जो हमें मौके पे सबूत मिले इन सब के लिहाज से हमने उसकी अरेस्ट कर दी, क्योंकि जो उसने ये एडमिट किया था कि ये जो पिंकी हैं ये इसका एक ये ड्राइविंग करता था, इसके मालिक वीरेंद्र है उसके पास। तो पिंकी की शादी वीरेंद्र से 6-8 महीने पहले फरवरी में हुई थी। शादी के बाद ही झगड़े होने लगे और पिंकी ने ये बोला कि ये जो आपका ड्राइवर है अपने पति को कि भी इसको वहाँ से हटा, मेरे पास यहाँ जो है हमारे घर में यहाँ नहीं रहेगा। ये जो कि उस जो फोर्थ फ्लोर थी उस पर उसके ऊपर एक जो पश्चति होती है वहाँ पर एक कमरे में अपने परिवार संग रहता। तो इस जो राकेश है इसकी फाइनेंशियल इमोशनल फिजिकल तीनों जो इंस्टेबिलिटियाँ हुई उससे इसने रंजिश बदले के हिसाब से बताया कि मैं मौका पाया और मैंने बोला कि मैं बदला लेना है, रंजिश लेनी है। तो उसने इस लड़की का मौके पे आके मर्डर कर दिया। तो हमने ये अरेस्ट परसों रात डाल दी थी, लेकिन कुछ गुत्थियाँ कुछ प्रॉब्लम थी कुछ इशू थे किस तरीके से फ्रेंडली एंट्री है या नहीं, और एक जो हमारे सीसीटीवी फुटेज वगैरह का भी पेंडिंग था तो हमने तफ्तीश जारी रखी। हमने इसको पुलिस रिमांड पर भी लाया, इसके साथ सस्टेंड इंटरोगेशन थे कुछ हमें और जो सीसीटीवी फुटेज हैं वहाँ से एक और एक लड़के का और मूवमेंट पता चला जिसको कि बाद में आइडेंटिफाई किया गया है जो वीरेंद्र है लड़की का पति, उसका भतीजा उसका नाम है गोविंद। तो कुल मिला के जब उससे भी डेलीगेशन करी तो बाद में जो प्रोफेसर हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वीरेंद्र उन्होंने भी एडमिट किया कि उन्होंने ही ये कॉन्स्पिरेसी है की थी और उन्होंने राकेश को बोला था कि आप लड़की को जो ख़त्म करो, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अपनी शादी से बहुत दुखी हूँ। तो हमने इन दोनों की भी अरेस्ट करी है। जो मारने में राकेश मौके पर गया और उसने इसको स्ट्रैंगुलेट करके जो कि लड़की वहाँ पर सो रही थी, गोविंद जो कि इनका भतीजा है वो अपने घर में था तो इसको इसने फ़ोन करके नीचे बुलाया कि तुम नीचे आ जाओ। गोविंद को बताया तो गोविंद कहता है कि मैं नीचे रहूँगा ये अकेला, क्योंकि अब दरवाज़ा खुला था ऊपर गया, लड़की के ऊपर चढ़ के एकदम इसने काबू कर पाया, लड़की का गला दबाया, स्ट्रैंगुलेशन की ये कन्फर्म करने के लिए कि ये मरे ना। उसने लड़की को वहाँ एक तार थी जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है वहाँ से तार हटाई और तार लगा के शॉक लगा के इलेक्ट्रोक्यूशन करके ट्राई किया कि ये कंफर्म किया कि ये मर गए। तो ये तीन लोगों के मोटिव देखिए इसमें तीन जो मेन अक्यूज हैं तीनों का अलग अलग मोटिव है। जो मेन हमारा जो मारने वाला है राकेश सर उसका राकेश का नौकरी का है, जो
जो ये हस्बैंड है उसका मेन मैरिमोनियल डिस्प्यूट था, इसकी हिस्ट्री भी रही है। एक बार 2 महीने पहले थाने में भी आए, उसमें भी पुलिस ने इंटरवेंशन करी, और जबकि कोई वैसे मेडिकल लीगल तो कोई इंजरी वगैरह नहीं थी, लेकिन उसमें ये कंटिन्यूस लड़ाई चल रही थी। भतीजा जो था ये जहाँ से ये उठ के आए हैं जो यूपी में, वो कह रहा है कि मैं जब इनकी हमारी शादी हुई, छोटे छोटे 2-3 साल का लड़का इसका भतीजा है, उसने जो बातें बताई छोटी छोटी रंजित थी कि हम बहुत नीचे से उठ के आज इस लेवल पे आए हैं कि जो हमारे चाचा की शादी हुई उसमें अफसर आए, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग आए, लेकिन इन्होंने हमारी बहुत बेइज्जती की शादी में। हमें इन्होंने 5 लाख का चेक भी दिया जो कि बाउंस हो गया, उसके बाद भी ये मेरे चाचा को अच्छा ट्रीट नहीं करती थी। उसको वो रो पड़ा, वो कहता है कि मैं, मेरे चाचा जो है हमारे देवता समान है, उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, चाचा की जिंदगी इसी ने खराब करी है। तो उसने इस तरीके से साथ में 120B जो है कॉन्स्पिरेसी कहेंगे पार्ट। तो मर्डर में केवल राकेश सिंधौल था, मारने में कहाँ पर? मारने में राकेश है, साथ में मतलब गोविंद वहाँ प्रेजेंट है, लेकिन राकेश का। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर, और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहे जागरूक।